आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से ही है ना? तो यहाँ पे आपको किस लिए लगाया गया सर? यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी होगी अभी इस वाले में। हेलो गाइस, रिसेंटली आई बिन गेटिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग कि मैंने अपना ये चिन गार्ड कैसे लगाया ऑन दिस हेलमेट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट क्लीन दिस, इट्स ऑल मेस्ड अप। वेल, इसके अंदर कुछ नहीं है, पानी एंड अ बिट ऑफ इजी का मिक्सचर। इजी वही जो हम वुलन क्लोथ्स को साफ करने के लिए यूज करते हैं। जस्ट रिंस इट आउट। तो ये हमारा हेलमेट है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो इसमें एक्चुअली में चिन माउंट का कोई सिस्टम होता ही नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। तो चिन माउंट की जगह मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे फ्रंट में साइड में इसको लगा दिया। इसको लगाने के बाद जब मैं अपना कैमरा लगाता हूँ तो मेरे पास कुछ माउंट हैं एक्सटेंडर्स, जिसको लगाने के बाद वो कैमरा करीब करीब इधर आता है। सो लेट मी जस्ट क्विक गेट दैट एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप करते कैसे हैं। भाई साहब लग गई। वक्त अबे किधर भाग रहा है ये मेरा हेलमेट, आप लोगों को दिख रहा होगा। फोकस है, यस फोकस्ड है। तो कुछ इस तरीके से मैंने सेटअप बना रखा है पूरा। तो इस सेटअप से होगा क्या कि जब मैं इसको माउंट करूंगा, लेट मी जस्ट क्विकली पुट इट, 1 2। Well, जैसा कि आप लोग अब देख सकते हो ये अपनी जगह पे माउंट हो चुका है। तो यहाँ पे एक एक्सटेंडर, दूसरा एक्सटेंडर, उसके बाद ये राउंड हेडेड एक्सटेंडर। ये जो आप ऊपर वाला एक्सटेंडर देख रहे हैं ये है एक मेटल एक्सटेंडर जो कि मैंने चाइना से मंगाया था सीधा। तो ये पूरा मेटल का होता है, ये प्लास्टिक होता है। तो प्लास्टिक वाले में ना स्टेबिलिटी नहीं आती, और सबसे बड़ी बात ये 360 घूम जाता है एक्चुअली में। तो ऑलवेज गुड फॉर आर मोटो ब्लॉगिंग। देखो मच्छर मारने का हथियार, झूम कर लिया। ये है मच्छर मारने का हथियार, क्योंकि मच्छर बहुत है मेरे यार।
आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से ही है ना? तो यहाँ पे आपको किस लिए लगाया गया सर? यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी होगी अभी इस वाले में? आपके सामने रेड लाइट तोड़ा लोगों ने? रेड लाइट नज़र आया तोड़ा? आपको इस टाइम यहाँ होना चाहिए या वहाँ होना चाहिए? हाँ बोलिए। अगर हम खड़े हो जाते हैं वहाँ तो सारे ये लोग रुक जाते हैं। अच्छा, सारे लोग रुक जाते हैं। आप समझते हैं ये जो है प्रॉब्लम, आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूँ जेन्युइन है। इस केस में रेड लाइट ऑफ कर दी जाती है और एक बंदा जो खड़ा होता है ना, दिल्ली में भी होता है, हर जगह होता है, एंड इट इज डन बाय द पर्सन। आपकी ड्यूटी है, आपको देखना पड़ेगा ये चीजें। अच्छा जी, तो ये लोग निकल जाते हैं। अगर एक गाड़ी की वजह से वहाँ तक लाइन लग जाए तो फिर वो गलत हो जाए। आप कितने साल की ड्यूटी हो चुकी है सर आपकी? दो ढाई साल से। आपने एक्सीडेंट भी बहुत देखे होंगे, करेक्ट? इसी वजह से होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप खड़े हो, साइड में हो, आपको तो देखा ही नहीं। आप वहाँ खड़े भी होगे ना, आपको देख के 10-15 लोग रुक जाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? बात आपकी सही है, मैं वही तो बात बता रहा हूँ। मुझे देख कर मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, फिर लोग निकलते नहीं है। तो ना निकले ना, रेड लाइट और किस लिए बनी है? खड़े रहने दीजिए। वो इसलिए अगर 50 सेकंड दिखा रहा है, आई शुड स्टॉप माई इंजन एंड स्टैंड देयर। इसका मतलब क्या हुआ वरना रूल्स का? मैं ये थोड़ा ना देखूंगा कि ट्रैफिक है या नहीं, आई शुड फॉलो दिस लाइट्स। मेरा तो ये है कि यहाँ दिल्ली, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, लाइट को कोई नहीं देखता, ट्रैफिक देखते हैं। अच्छा, यहाँ से गाड़ी नहीं आ रही, भाग लो। इमरजेंसी में बाई चांस उधर से कोई गाड़ी मुड़ के आ जाती है, वो क्या करेगा फिर? ब्रेक लगेगा या कोलाइड होगा? सेम विद द बसेस, सेम विद एवरीथिंग, प्रॉब्लम यही होती है। देखिए, परेशानी अगर एक एक्सीडेंट यहाँ होता है ना, उससे ज्यादा परेशानी होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे सारा जाम लग जाएगा, ऊपर से केओस अलग होगा, लोग बतंगड़ और बनाएंगे, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, मदद कोई करने आएगा नहीं, वीडियो अलग बनाएंगे बैठ के। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सर, रिक्वेस्ट है, ड्यूटी ऑनेस्टली कीजिए, आराम से कीजिए। चलिए, थैंक यू। मैं समझता हूँ, वैसे तो मुझे यहाँ पे कोई दिखता ही नहीं, और दिन तो बड़ी मुश्किल से आज आप दिखे, वो भी साइड में थे, तो मैंने कंसर्न बताया कि ये प्रॉब्लम है। जब ये मेट्रो का काम चल रहा था यहाँ पे, उनके जो वो येलो ड्रेस वाले होते हैं, वो क्या करते थे, रेड लाइट रख के लोगों को बोलते थे पास हो जाओ। मैंने कहा आज तो तुम बोल रहे हो पास हो जाओ, कल को तुम्हारे बिना बोले भी पास होंगे, और उसके बाद फिर जो केओस होगा ना यहाँ पे, ना तुम हैंडल कर पाओगे ना पुलिस वाले। तुम लोग अभी बढ़ावा दे रहे हो, बाद में ये आदत बन जाएगी लोगों की। आप लोगों का पास कराना अलग चीज हो जाती है, बात समझे? आपकी ड्रेस देख के लोग समझते हैं कि हाँ, ही इज रिस्पॉन्सिबल। मैं बताता हूँ, ये सबसे ज्यादा गंदा चौराहा है ये, इसके पीछे वाला और इसके आगे वाला। उसका रीजन यह है, यहाँ पे उल्टे आते हैं, सुलटे आते हैं, सब कुछ होता है वहां, तो चलान भी कटते हैं उल्टों का। अब वो बात अलग है, हफ्ते में 3 दिन कटेंगे, 3 दिन वो गायब रहेंगे, फिर वो वापस उल्टा हो जाएंगे। प्रॉब्लम है, लोग डंडे से भी नहीं सुधर रहे आज की डेट में। मैं समझता हूँ, अभी शाम को तो ये केओस बुरी हालत हो जाती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोई भी कहीं भी घुस जाता है वो अटक जाता है। आपको चलान काटने का तो शायद परमिशन नहीं होगा, नहीं होगा ना? वो सुपरवाइजर ही होते हैं दूसरे जो खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। चलिए, हाँ मैं समझ गया, वो ट्रैफिक मार्शल और एक और भी होते हैं, वो नीचे जो खाकी वर्दी वाले अपने भाई, वो वॉलेंटियर टाइप के बोल लो उन्हें, उनका कुछ काम नहीं होता। चलो फिर भी ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। वही तो बात है, ये सिर्फ आपको बोलने पे कुछ नहीं होगा, करना हमें भी पड़ेगा। आधे से ज्यादा बेवकूफ समझते ही नहीं है ना ये बातें। उल्टा क्यों आते हो भाई?
Why are you coming opposite? चढ़ा दो भाई, चढ़ा दो, मुझे दे दो ये एक दिन के लिए. I do this for my people, I don't do this for the fame. You keep chains, keep the change, just give me my brain and leave me my lane and just remember my name.